सावन के शोगों में किसी के प्यार में ईशान रीवा से शादी फिक्स होने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन अब रीवा की लाइफ का एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सुनकर ईशान को अपनी माँ की याद आने लगेगी, यानी कि कह सकते हैं कि अपनी माँ के दिए गए धोखे की याद आने लगेगी। जहाँ पर ईशान की माँ यानी कि ईशा माँ कहकर तो यही गई थी कि वो जल्द ही लौट आएंगी, लेकिन अब तक वो उनकी जिंदगी में पूरी तरह लौटी नहीं है। यहाँ पर ईशान को ये पता लगने वाला है कि रीवा का लंदन के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया है और रीवा इस खुशी को शेयर करती है, तब ईशान खुश नहीं होते हैं, बल्कि वही डर जो ईशा माँ के जाने पर उनके मन में था, वही डर एक बार फिर से रीवा के इस खुशी के सामने आने के बाद दिखने को मिलने वाला है। और वही दूसरी तरफ सभी की शादी होने वाली है प्रीपोन, जी हाँ सागर बोड़ा, और शादी हो एक ही दिन में ऐसी डिमांड लेकर लड़के वाले चवन परिवार के सामने पहुंचने वाले हैं और काकू इस बात को एक्सेप्ट भी करती नजर आने वाली है। और जब कहीं ना कहीं सभी किसी का साथ ढूंढेंगी कि कोई तो उनका साथ देकर इस शादी को रुकवा दे, वीनो भी सभी को रोकते नजर आएंगे और काकू के इस डिसीजन में उनका साथ देते नजर आएंगे। तो अब जहां बहुत ही जल्द सभी शादी को तोड़कर फाइनली पहुंचने वाली है ईशान के सामने और इस वादे के साथ कि वो किसी भी तरह से ईशान को इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मना कर रहेंगी। अब क्या सच में ईशान का क्योंकि अभी दिल टूट चुका है तो क्या वो सभी की बात को मानने के लिए होंगे तैयार? चैनल में किसी के प्यार बिल्कुल लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।